डज वुमेन बिलोंग्स इन किचन ओनली? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा नो एंड येस बोथ. वुमेन बिलोंग्स टू द किचन बट मैन ऑल्सो बिलोंग्स टू द किचन. जितना वुमेन किचन में काम करने को बिलोंग करती है उतना ही मैन काम करने को बिलोंग करता है. मैं ये नहीं कहूँगा कि वुमेन को काम ही नहीं करना किचन में. अरे यार ये एक बेसिक काम है, ये मेरे को भी आना चाहिए, ये वुमेन को भी आना चाहिए. इसमें जेंडर कार्ड कहाँ आ जाता है? इसमें वेजाइना और पेनिस दोनों कहाँ आ जाते हैं इस एक चीज में? खाना बनाना, किचन में जाना, ये चीजें करना, ये हर उस इंसान को आना चाहिए जो खुद को इंडिपेंडेंट बोलता है, खुद को समझदार बोलता है, खुद को मैच्योर बोलता है. और अगर आज तुम खुद को ये सब चीजें बोल रहे हो और फिर भी तुम किसी ना किसी रूप में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो तुम कहें कि इंडिपेंडेंट, कहें कि मैच्योर, कहें समझदार हो? जिस हिसाब से दोनों को कमाना चाहिए, जैसे कि वुमेन को भी कमाना चाहिए क्योंकि उसको खुद के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, मैन को भी कमाना चाहिए जैसे कि उसको खुद के ऊपर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वैसे ही जैसे वुमेन को खाना बनाना आता है वैसे ही मैन को भी खाना बनाना आना चाहिए. सिंपल सी बात है. इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि वुमेन गो मैन मेक अ सैंडविच फॉर मी एंड यू डिजर्व ओनली द किचन. ये जो बोलने वाले कूल डूड होते हैं ना, इनको खुद को बोलो कि अगर वुमेन खाना नहीं बनाएगी तो तुम खाओगे कहाँ से. तुम उनको ऐसे बोल रहे हो कि तुम्हारी औकात किचन तक है, क्योंकि तुम मान रहे हो किचन में काम करना एकदम बहुत गलत चीज़ है, जबकि तुम्हारे से गलत तो कोई है ही नहीं जो खुद किचन में काम नहीं कर रहा और किचन को गलत मान रहा है. क्योंकि अगर किचन में काम करने वाला नहीं रहे तो तुम्हारे तक खाना ही नहीं आ पाएगा. तुम्हें भी आना चाहिए बेसिक काम. तुम अगर एक इंसान को लेके आ भी रहे हो खाना बनाने के लिए कि भाई तेरा ये रोल है मेरा ये रोल है, तू किचन में ही कर बिलोंग करती है, मैं ना कमा के आता हूँ लेके आता हूँ, दोनों जने फिर टटपुंजों की तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, और फिर आगे जाके 100% चीज या कभी ना कभी क्लेश होने वाले हैं कि तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट है. वो कहेगी तू कमा के लेके नहीं आता, तुम कहोगे कि तू खाना बना मेरे लिए ये कर. रिलैक्स रहो, हर काम सीखो, बेसिक काम है, सबको आने चाहिए. ह्यूमन इवोल्यूशन से गुजरे हो, इतने दिमाग तुम्हारे पास है तो इतना समझ में आना चाहिए कि कमा रहा हूँ, खाना बनाना कौन सी चिड़िया का खेल है यार, मैं भी बना सकता हूँ. वैसी औरतों को समझ में आना चाहिए कि खाना अगर बना पा रही हूँ, दूसरों को खिला पा रही हूँ, वो काम कर पा रही हूँ, तो फिर कमाना कौन सी चिड़िया का खेल है? वो काम मैं भी कर सकती हूँ. वुमेन ओनली डोंट बिलोंग इन टू द किचन. मैन का भी उतना ही फर्ज है कि वो जाकर किचन में काम करेगा, और किचन के साथ साथ ही जो वुमेन है वो बेसिक काम के साथ साथ ही वो बाहर जाके भी काम करेगी. सिर्फ उसका जेंडर तुमसे अलग है तो कॉन्ट्रैक्ट तो साथ में उसके आया नहीं होगा कि वुमेन को किचन में काम करना है और तुमको बाहर जाके कमाना है, नहीं ना. तो वो किचन में काम कर रही है तो उसका और भी काम है. किचन में काम करना है ये सिर्फ डिमांड ये क्रिएट की है सोसाइटी ने और तुम जैसे लोगों ने, जिसने जेंडर के हिसाब से काम बांट लिए. बल्कि जेंडर में डिफरेंस बस इतना ही होता है, तुम रिप्रोडक्शन के लिए तुम्हारे पास दो अलग अलग सेक्सुअल ऑर्गन्स है और तुम्हारे हार्मोन दोनों के अलग अलग है. बाकी अगर तुम ये चीजें कामों में भी अप्लाई करनी स्टार्ट कर दोगे कि वुमेन ओनली किचन में जाती है, बाहर जाके काम मत करो, बाहर जाके ये मत करो, बाहर जाके वो मत करो, तो यार ये चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आती. क्योंकि अगर कोई भी रूल अप्लाई होना चाहिए तो फिर वो दोनों के ऊपर अप्लाई होना चाहिए ना. अगर वुमेन किचन को बिलोंग करती है तो फिर तुम भी किचन को ही करो बिलोंग, अगर वुमेन बाहर जाके नहीं कमा सकती तो फिर तुम भी घर पे ही रहो, तुम भी फंस जाओ. तो मेरे हिसाब से जो भी तुम्हें एक रूल बनाना है वो ऐसा बनाना है जो सारे जितने भी ह्यूमंस हैं उन पर हो लागू, वो कोई जेंडर पर लागू ना हो कि ये एक जेंडर काम, ये एक जेंडर काम है. क्योंकि हमने जैसे ही इंसान से आके थोड़ा नीचे आके हमने चीज़ें एक क्राइटेरिया पे बेस करनी स्टार्ट कर दी, वैसे ही हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो डिमिनिश होना, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है. हमने जैसे ही इंसानियत से आगे ह्यूमिनिटी से नीचे गिर के एक इंसान को सिर्फ जेंडर देखना, कास्ट देखना देखना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे तो हमारा दिमाग खराब होना स्टार्ट होता है. काम किसी का नहीं है, काम से कोई जेंडर नहीं है, जेंडर से काम है, तो वैसे ही इंसानों से काम है. तो किचन में वुमेन बिलोंग करती है पर मैन भी करते हैं, वुमेन बाहर जाके कमाती है, मैन भी कमाते हैं, दोनों के दोनों काम है किसी का. अब एक काम अगर तुम समझ के अभी भी बैठे हो, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा. तो थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, चीज़ों को दौड़ाओ, इंसान के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी स्टार्ट करो, इस दिमाग के, इस शरीर के और जेंडर के हिसाब से चीज़ें देखोगे तो खुद को एक जेंडर मान लिया, बस मैं जेंडर हूँ और मैं दूसरे जेंडर से हेट करता हूँ, ये प्लीज़ स्टॉप इट. दूसरे जेंडर की अगर कोई चीज़ गलत है तो वो इंसान है ना, उसको बोलो तू ये चीज़ गलत कर रही है, उसमें लॉजिकल होना चाहिए चीज़, और वो भी तुमको बोले तो तुम भी चीज़ों को करो एक्सेप्ट. बट ये काम बांटना, चीज़ें करना,
ये कहाँ तक ही सही हो जाता है ये तुम अपने दिमाग से खुद पूछना अगर तुम एक ब्रेन वाले इंसान हो तो। दोनों के काम है अपनी ईगोस छोड़ो और सुनो, जितने भी लोगों को अपना सो कॉल्ड गुरु बना के बैठे हो, ठीक है, स्पेशल माइक ले गए हूँ तुम्हारे लिए, जितने भी लोगों को अपना स्पेशल गुरु बना के बैठे हो जो तुम्हें कहते हैं वुमेन का काम ये है, मैन का काम ये है, उन गुरुओं से ये पूछना भाई तू सबसे पहले क्या है, तू इंसान है या फिर तू कोई बाहर से आया, इंसान है ना, खुद को इंसान समझ, इंसानों वाले काम करो, सारे काम सीखो। और अगर ये अभी किसी का तर्क आने वाला है कि नहीं सामने वाला जब ये सोचता है वो ऐसे समझती है कि मैन का काम है सिर्फ कमाना, तो मैं भी यही सोचूंगा कि उसका काम खाना बनाना, तो मतलब सामने वाला अगर एक बुद्धू इंसान होगा तो तुम भी एक बिना दिमाग के इंसान होगे, मतलब जैसा सामने वाला करेगा वैसे ही मैं करूँगा, मतलब तुम्हें भी वो 2 साल का बच्चा ही बनना है जो मतलब कहते हैं कि नहीं उसने मेरे को कुत्ता बोला तो मैंने भी कुत्ता बोल दिया, ग्रो अप मैन। सामने वाला अगर ऐसा है कि जो कह रहा है कि आदमियों का काम सिर्फ कमाने का है, मैं तो लड़की हूँ मैं क्यों कमाऊँ, सबसे पहली बात ऐसी लड़कियों को समझाओ, नहीं समझे तो बाहर में जाओ यार, बहुत और भी लोग ऐसे हैं जो तुम्हें अच्छी अच्छी लड़कियाँ जिंदगी में या फिर अच्छे अच्छे पार्टनर अगर तुम लड़कियाँ हो तो तुम्हें मिल जाएंगे, तुम वो 99% भीड़ के पीछे भाग क्यों रहे हो जिन्होंने जेंडरों को बांट लिया है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो अगर बुरी सोच में या फिर फालतू सोच में हैं पड़े हुए, फिर भी उनको चीज़ें आती हैं समझ में जब तुम उनको समझाओगे, लोगों को समझाओ, उनको बोलो कि काम किसी एक का नहीं है, काम सबके हैं, खाना बनाना दोनों को आना चाहिए और काम करने दोनों को आना चाहिए, जो नहीं समझ रहा है जो अपने ही धुन में है उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें, क्योंकि अगर तुम ऐसे शिकायतें करते हो कि सामने वाला ऐसा है तो मैं भी ऐसा होऊंगा, तो तुम सामने वाले ऐसे के पास जा ही क्यों रहे हो, और भी अच्छी अच्छी हाई वैल्यू इंसान, हाई वैल्यू वुमेन, हाई वैल्यू मैन है जो तुम्हें मिलेंगे, जो हाई वैल्यू यहाँ यहाँ से नहीं होंगे, हाई वैल्यू यहाँ से होंगे, जिन्हें चीज़ें समझ में आती होगी, जो कामों से इंसान को नहीं बांटते होंगे बल्कि इंसानों का ऐसे देखते होंगे कि इंसानों के काम सारे हैं, उनके पास जाऊँ ना, तुम जा ही रहे हो गलत के पास और फिर कह रहे हो मेरी ज़िंदगी में ये हो गया वो हो गया, तो जिम्मेदार वो सामने वाला नहीं है, वो तो है ही बेवकूफ़ अपनी ज़िंदगी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, तुम भी हो जो सामने वाले गलत के पास जा रहे हैं। जितना वुमेन करती है किचन में बिलोंग उतना ही मैन करते हैं, जितना वुमेन कमा सकती है उतना ही मैन कमा सकते हैं। मैंने देखा है जो लड़के इतनी समझदार होती है, फिर जो लड़के इतने होते हैं समझदार, बस ढूंढने की जरूरत है और उन्हें समझाने की जरूरत है, अगर वो हो भी गलत थे भी गलत तो समझाया समझे और उन्होंने वो चीज़ें ली जिंदगी में, ऐसे होते हैं 1%, बस अभी तुम उस भीड़ का हिस्सा हो जिसने अपनी सोच को छोटा कर रखा है और कामों से इंसान को देख रहे हैं, इंसान से नहीं देख रहे हैं काम को और समझ नहीं रहे हैं काम सबके हैं, उस भीड़ को हटो, समझाने की कोशिश करो, नहीं समझे जाने दो, पर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो तुम्हारी बातों को समझेगा, पर सबसे पहले शुरुआत खुद से करो, सारे काम आने चाहिए भले किचन का हो या फिर कमाने का हो, बाकी जो भी लोग बोल रहे हैं उनको बोलो शट अप, अपना ज्ञान अपने तक रखो, इंसान रहने दो, जेंडर का खेल अपने तक रखो, मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मजे में रहो, बाय।